हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सिग्मा एजुकेशन। हम बात कर रहे थे चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी के 200 क्वेश्चन की, ठीक है, जो कि हमने काफ़ी क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। तो आज जो हम इसमें स्टार्ट करेंगे 143 क्वेश्चन नंबर से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। टोटल 200 क्वेश्चन हैं और काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हैं, और मुझे नहीं लगता इससे बाहर कोई क्वेश्चन आएगा टीचिंग एग्जाम में, या KVS हुआ, CTET हुआ, UPTET हुआ, ठीक है। तो ये बहुत ज़रूरी हैं, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं, एक बार तो आपको करने ही चाहिए, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एज ग्रुप, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग एज ग्रुप, वो कौन सा एज ग्रुप है फॉल्स अंडर द लेटर चाइल्डहुड कैटेगरी, जो लेटर चाइल्डहुड कैटेगरी में आता है, ठीक है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा आयु समूह परिवर्ती बाल्यावस्था श्रेणी के अंतर्गत आती है, ठीक है। लेटर चाइल्डहुड की बात हो रही है, पहले तो आपको पता होना चाहिए चाइल्डहुड पीरियड जो होता है, चाइल्डहुड पीरियड जो होता है वो 3 से लेके 11 ईयर्स या 12 ईयर्स तक वो चलता है, ठीक है। इसमें दो आ जाती हैं, एक आ जाती है अर्ली चाइल्डहुड, एक आ जाती है लेटर चाइल्डहुड, ठीक है। अर्ली चाइल्डहुड की बात करें हम 3 to 5 ईयर्स होता है, और ये हो जाता है तुम्हारा कितना 6 to 11 ईयर्स, ठीक है। तो इसमें जो हमने बात करी थी लेटर चाइल्डहुड की बात करी है, तो उसका जो कितना होगा एज ग्रुप 6 से लेके 11 ईयर्स, इसमें जो आंसर इसका सी आंसर इसका सही है, ठीक है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था लेकिन अच्छा क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट है 144। विच वन आउट ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट द रोल्स एंड बिहेवियर्स विच आर एक्सेप्टेबल इन अ ग्रुप ड्यूरिंग अर्ली चाइल्डहुड पीरियड, ठीक है। अर्ली चाइल्डहुड पीरियड की बात करिए, इसमें बच्चे की जो करेक्टरिस्ट होती हैं क्या करता है, या फिर इसमें रोल क्या है, इसमें पूछा है बेसिकली जो प्रोवाइड रोल है, रोल एंड बिहेवियर जो है बच्चे का वो क्या होता है इस एज ग्रुप में, इस चाइल्डहुड जो पीरियड है इसमें, ठीक है। हिंदी में देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा प्रारंभिक बाल्यावस्था अवधि के दौरान उन भूमिकाओं एवं व्यवहारों के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं जो एक समूह में स्वीकार्य हैं। तो आपको क्वेश्चन समझना है, क्वेश्चन क्या कहना है, फिर उस सिचुएशन में जाना है आपको, ठीक है। उसको फील करना है जब बच्चा इतना बड़ा होता है, अर्ली चाइल्डहुड की बात करिए, तो बच्चे की जो एज होगी ना 3 से लेके 5 ईयर्स तक बच्चे की एज होगी। जब बच्चा इतना बड़ा होता है 3 से लेके 5 साल के बीच में होता है, तो उसका जो बिहेवियर होता है वो कैसा होता है, उसका जो रोल होता है वो कैसा होता है। वो बाहर तो जाता नहीं है फ्रेंड्स के साथ खेलने या पेयर्स के साथ खेलने के लिए, तो वो अपने जो भाई बहन होंगे उनके साथ खेलेगा, जो माँ बाप होंगे, माता पिता होंगे उनके साथ खेलेगा, ठीक है। तो आपको वो देखना है इस उम्र में बच्चा क्या करता है। टीचर्स एंड पीयर्स ये नहीं है इसका, पीयर्स एंड पेरेंट्स ये भी नहीं होगा इसका, जो स्कूल भी जाता है वो इसके बाद ही जाता है, चार साल के बाद जाता है, ठीक है। पेरेंट्स एंड सिबलिंग एंड टीचर्स, तो इसका जो आंसर होगा इसका सी आंसर इसका सही होगा, ठीक है। तो पीयर्स एंड सिबलिंग, माता पिता एवं भाई बहन साथ के उसका बिहेवियर जो होता है वो रोल होता है किसके साथ होता है, पेरेंट्स एंड सिबलिंग के साथ में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। द टीचर नोटिस दैट पुष्पा कैन नॉट सॉल्व अ प्रॉब्लम हर ओन, हाउएवर सी डज सो इन द प्रेजेंस ऑफ एडल्ट और पीयर गाइडेंस, दिस गाइडेंस इज कॉल्ड, अध्यापिका ने ध्यान दिया कि पुष्पा अपने आप किसी एक समस्या का समाधान नहीं कर सकती, फिर भी वह एक वयस्क या साथी के मार्गदर्शन की उपस्थिति में ऐसा करती है, इस मार्गदर्शन चिंतन को कहते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, ये किसी की हेल्प के जरिए वो पूरा कर पा रही है, वो खुद अपने आप सॉल्व करने की कोशिश कर रही है बट वो सॉल्व नहीं कर रही है। तो अगर आपको याद आए जो वाइगोट्स्की, जब आप क्वेश्चन पढ़ो तो आपके दिमाग चलना चाहिए कहाँ, थ्योरीज की तरफ, कौन सी थ्योरी पे बेस ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो वाइगोट्स्की ने बात करी थी, ZPD की बात करी थी, और MKO की बात करी थी, मोर नॉलेजेबल अदर, स्कैफोल्डिंग की बात करी थी, ये की पॉइंट्स है स्कैफोल्डिंग, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए ZPD क्या होता है, MKO क्या होता है, स्कैफोल्डिंग क्या होता है। ये जो बात हो रही है यहाँ पर, ये किसकी बात हो रही है, स्कैफोल्डिंग की बात हो रही है, मतलब जो वो वर्क कर रहा है, जो अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है किसी के असिस्टेंस की तरह, असिस्टेंस के जरिए, किसी की सहायता के जरिए वो सॉल्व कर रहा है, चाहे वो एडल्ट हो, चाहे वो पीयर्स हो, चाहे वो पेरेंट्स हो, चाहे वो टीचर हो, ठीक है। तो इसका हम देखा जाए तो सहारा मिल रहा है उसको, ठीक है। स्कैफोल्डिंग का मतलब होता है सहारा देना, तो इसका जो आंसर होगा
इसका आंसर सी इसका सही होगा। आपको समझ ना आए, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है, आपको थ्योरीज तो पढ़नी पड़ेंगी, थ्योरीज तो आनी ही चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट फॉर द प्रोग्रेसिव मॉडल ऑफ सोशलाइजेशन। प्रोग्रेसिव मॉडल ऑफ सोशलाइजेशन के लिए, ठीक है, कौन सा करेक्ट इसमें ऑप्शन नहीं है, नॉट करेक्ट पूछा है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के समाजीकरण में समाजीकरण के प्रगतिशील मॉडल के संदर्भ में सही नहीं है, ठीक है। तो इसमें हमें देखना है, चिल्ड्रन एक्सेप्ट करते हैं व्हाट दे आर ऑफर्ड बाय द स्कूल इरेस्पेक्टिव ऑफ देयर सोशल बैकग्राउंड। बच्चे विद्यालयों में बताई गई बातों को स्वीकार करते हैं चाहे उनकी सामाजिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो। नहीं, ऐसा नहीं होता, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। जो बच्चे, अगर तुम कुछ भी उनको बोलोगे उसके समाज के बारे में, ठीक है, तो वो बच्चे आवाज़ उठाएंगे, उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं, ठीक है। वैसे तो इसका जो है, इसमें लिख रहा है चिल्ड्रन एक्सेप्ट कर लेते हैं, ठीक है, तो इसका नॉट पूछा है, तो इसका आंसर जो होगा यही होगा इसका, ये गलत आंसर है, ये नहीं है इसका। बाकी और देख लेते हैं, देयर शुड बी प्लेस फॉर डेमोक्रेसी इन द क्लासरूम। प्रोग्रेसिव जो होता है, प्रोग्रेसिव क्लासरूम, ठीक है, तो उसमें क्या है, डेमोक्रेसी होनी चाहिए, कक्षा में प्रजातंत्र के लिए स्थान होना चाहिए, बच्चे को हक है बोलने का, क्वेश्चन करने का, ठीक है। सोशलाइजेशन इज एन अडॉप्शन ऑफ ए सोशल नॉर्म्स का जो अडॉप्शन है, ठीक है, वो क्या है, सोशलाइजेशन है। एक्टिव पार्टिसिपेशन इन द ग्रुप में, ग्रुप वर्क एंड लर्निंग सोशल स्किल्स, ये भी क्या है, एक प्रोग्रेसिव जो मॉडल है उसका एक ये करेक्टरिस्टिक है, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा, इसका ए आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, लॉरेंस कोहलबर्ग थ्योरी, कोहलबर्ग थ्योरी आ गई यहाँ पर, ठीक है। लॉरेंस कोहलबर्ग थ्योरी, विच लेविल, कौन सा लेविल है, सिग्निफाइज द एब्सेंस ऑफ मोरलिटी, जिसमें बच्चे के अंदर मॉरल डेवलपमेंट नहीं हो पाता, मॉरलिटी उसमें एब्सेंस होती है, वो कौन सी स्टेज है, किसके, कोहलबर्ग के अकॉर्डिंग। लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत में कौन सा स्तर नैतिकता की अनुपस्थिति को सही अर्थ में सूचित करता है। तो इन्होंने जो स्टेजेस दी थी, तीन थी, ये तो आपको याद ही होगा, प्री कॉन्वेंशनल, पोस्ट कॉन्वेंशनल स्टेज, ये तीन स्टेज थी, इनके दो दो लेवल थे इनके, ठीक है, तो याद रखिएगा। अब जो ये जो बात हो रही है, एब्सेंस ऑफ मोरलिटी, ये हो रही है प्री कॉन्वेंशनल स्टेज की, जो कि इसमें दो लेवल होते हैं। फर्स्ट लेवल की अगर हम बात करें, फर्स्ट लेवल क्या होगा, पनिशमेंट एंड ओबीडियंस, और जो सेकंड जो होगा, रिवार्ड ओरिएंटेशन, ठीक है। तो इसमें क्या है, इसमें जो ये लेवल फर्स्ट है ना, पनिशमेंट एंड ओबीडियंस पर काम करता है, ठीक है। अगर उसको हम पनिश करेंगे या फिर उसको डांट देंगे तो उस काम को नहीं करेगा, और उसको हम रिवार्ड देंगे या ओबीडियंस, उसको शाबाशी देंगे तो उसको काम को बार बार करेगा, ठीक है। तो इसमें क्या है, एक मोरलिटी का कोई, उसका जो मोरलिटी क्या है, इसमें एब्सेंस है, कोई मोरली नहीं सोच रहा हो किसके लिए अच्छा होगा किसके लिए बुरा होगा, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा, इसका बी जो है, लेवल फर्स्ट, इसका जो आंसर है, ये आंसर होगा इसका, ठीक है, स्तर फर्स्ट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, सीसी की बात हो रही है इसमें, कंटिन्यूस एंड कंप्रेहेंसिव इवेल्युएशन इज असेंशियल फॉर, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन किस लिए आवश्यक है, क्यों जरूरी है, ठीक है। डाइल्यूटिंग द अकाउंटेबिलिटी ऑफ द बोर्ड ऑफ एजुकेशन, शिक्षा बोर्ड की जवाबदेही कम करने के लिए, करेक्टिंग लेस फ्रिक्वेंट एरर मोर देन मोर फ्रिक्वेंट एरर, जल्दी जल्दी की जाने वाली गलतियाँ की तुलना में कम अंतराल पर की जाने वाली गलतियाँ को सुधारना, या है फिर अंडरस्टैंडिंग हाउ लर्निंग कैन बी ऑब्जर्व रिकॉर्डेड इम्प्रूव, कैसे लर्निंग को ऑब्जर्व करी जाए, उसको रिकॉर्ड करी जाए, ठीक है, और जो उसमें गलतियाँ हैं उसको कैसे सुधार किया जाए, उसको कैसे इम्प्रूव किया जाए, ये है बेसिकली सीसीई का जो है, इसके लिए बहुत ज़रूरी है सीसी, ठीक है। फाइन ट्यूनिंग ऑफ टेस्ट विद द टीचिंग, शिक्षक के साथ परीक्षक के तालमेल बैठाना, तो इसका जो ऑप्शन होगा, सी ऑप्शन इसका सही होगा, ये समझने के लिए कि अधिगम का किस प्रकार अवलोकन किया जा सके, दर्ज किया जा सके और सुधार किया जा सके, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आ टीचर लेबल द हेड ऑफ द कम्युनिटी अध्यापिका ने एक कमेटी के प्रधान को, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है ये भी,
तो क्या करा उसने अध्यापिका ने, जो हेड कमेटी का एज चेयरपर्सन, उसने बोला क्या, चेयरपर्सन बोला किसकी जगह पर, चेयरमैन की जगह, इट इंडिकेट दैट द टीच, ठीक है। तो उस जैसे बोलते हैं चेयरमैन होता है, चेयरमैन को उसने, चेयरमैन की जगह उसने क्या यूज़ किया वर्ड, चेयरपर्सन, ठीक है। अब देखो चेयरमैन, चेयरमैन ये क्या है, एक बाइस बाइसनेस शो कर रहा है, चेयरमैन मतलब मैन है कोई, और चेयरपर्सन में क्या है, पर्सन क्या है, फीमेल भी हो सकता है मेल भी हो सकता है, तो ये क्या है, बाइसनेस नहीं हो रही इसमें। तो इसने जो जेंडर, जेंडर का यूज़ किया, जेंडर फ्री लैंग्वेज का इसने यूज़ करा है, ठीक है। जो इसका जो आंसर होगा बी आंसर इसका सही होगा, एक लिंग मुक्त भाषा का प्रयोग कर रही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिविंग पनिशमेंट, गिविंग पनिशमेंट वर्बल हो चाहे नॉन वर्बल, चिल्ड्रन इंसल्ट करता है, चिल्ड्रन की किस चीज़ को, बच्चे की किस चीज़ को इंसल्ट करता है, बच्चों को शाब्दिक या गैर शाब्दिक दंड देने का परिणाम होता है, प्रोटेक्टिंग द चाइल्ड इमेज नहीं, ठीक है, बच्चों की छवि को सुधारना, इम्प्रूविंग देयर स्कोर नहीं, अंकों को में सुधार करना नहीं, डैमेजिंग द सॉरी उनका क्या है, सेल्फ कॉन्सेप्ट को डैमेज करना, अगर हम उसको पनिशमेंट दे रहे हैं वर्बली या नॉन वर्बली, तो उनके स्वयं के प्रति अवधारण को नष्ट करना है। तो इसका जो आंसर होगा सी सही होगा, डी नहीं होगा, मोटिवेटिंग द वर्क, ठीक है, इसका आंसर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लर्निंग एक्सपीरियंसेस शुड बी प्लान इन अ मैनर सो एज टू मेक लर्निंग मीनिंगफुल, विच ऑफ द गिवन लर्निंग एक्सपीरियंस डज नॉट फैसिलिटेट मीनिंगफुल लर्निंग फॉर द चिल्ड्रन, अधिगम अनुभवों अनुभवों को इस प्रकार से आयोजित किया जाना चाहिए जिससे अधिगम को सार्थक बनाया जा सके, नीचे दिए गए अधिगम अनुभवों में से कौन सा बच्चों के लिए सार्थक, अधिगम का सुगम नहीं, इसमें पूछा है नहीं है, ठीक है, डज नॉट, ठीक है। तो इसमें देखते हैं हम लोग, फॉर्मुलेटिंग क्वेश्चन ऑन कॉन्सेप्ट, विषय वस्तु पर प्रश्न बनाना, डिस्कसिंग एंड डिबेट ऑन द टॉपिक, प्रेजेंटिंग ऑन द टॉपिक, प्रकरण पर परिचर्चा तथा वाद विवाद, ठीक है, इससे भी सही होगा, प्रेजेंटेशन ऑन द टॉपिक, प्रकरण पर प्रस्तुतिकरण, रिपीटेशन बेस्ड ऑन मेयर रिकॉल ऑफ कंटेंट, ठीक है, विषय वस्तु की केवल वाद करने के आधार पर पुनरावर्ती, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है, विषय वस्तु की केवल वाद करने पर आधार पर पुनरावृत्ति, बार बार रिपीटेशन हो रहा है, ठीक है, तो उससे क्या है, जो मीनिंगफुल लर्निंग जो है नहीं हो रही है, ठीक है, उसकी बच्चे की मीनिंगफुल लर्निंग को फैसिलिटेट नहीं कर रहा, जो इसका जो आंसर होगा डी इसका सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द असेसमेंट ऑफ द स्टूडेंट कैन बी यूज्ड बाय द टीचर, जो असेसमेंट स्टूडेंट का असेसमेंट जो यूज़ करता है टीचर असेसमेंट करने के लिए, टीचर टू डेवलप इंसाइट इनटू, शिक्षण में अध्यापकों के द्वारा विद्यार्थियों का आकलन इस अंतर्दृष्टि को विकसित करने के लिए किया जा सकता है, ठीक है, जो उनकी इंसाइटफुल लर्निंग होनी चाहिए, नॉट प्रमोटिंग दोज स्टूडेंट हु डू नॉट मीट स्कूल स्टैंडर्ड्स, उन विद्यार्थियों को प्रोन्ध न करना जो विद्यालय के स्तर के अनुकूल नहीं, चेंजिंग द टीचिंग अप्रोच अकॉर्डिंग टू द लर्नर नीड, ठीक है, शिक्षार्थियों की आवश्यकता के अनुसार शिक्षण उपागम में परिवर्तन करना, क्रिएटिंग ग्रुप ऑफ ब्राइट एंड स्टूडेंट को अलग अलग करना, ब्राइट और वीक स्टूडेंट को अलग अलग करना, कक्षा में प्रभावशाली तथा कमजोर विद्यार्थियों का समूह बनाना, आइडेंटिफाई द स्टूडेंट हु नीड टू बी प्रमोटेड टू द हायर क्लास, उन विद्यार्थियों की पहचान करना जिन्हें उच्चतर कक्षा में प्रोन्नत करना है, ठीक है। तो असेसमेंट का बेसिकली काम क्या है, ठीक है, असेसमेंट जो होता है बच्चे की जो नीड है, ठीक है, लर्नर की जो नीड है, उस तरह के हमें अप्रोच अपनानी चाहिए, उस तरह के टीचिंग मेथड अपनाने चाहिए, ठीक है, अपनी टीचिंग को चेंज करना चाहिए बच्चे के अकॉर्डिंग, एक उससे समझ में नहीं आ रहा है, एक स्ट्रेटेजी से समझ में आ रही है, दूसरी स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए, दूसरा मेथड यूज़ करना चाहिए, इसका जो आंसर होगा बी इसका आंसर सही है, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चन थे साइकोलॉजी के, नेक्स्ट क्वेश्चन हम आए की वीडियो में करेंगे, आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट करें, और आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें एंड शेयर करें, थैंक यू।